हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 8 मार्च 2023 के लिए। तो चलिए हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ भी ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स ही दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले आलोक इंडस्ट्रीज में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन मतलब मंडे के दिन स्टॉक में हमें 2.55% का नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला। क्लोजिंग यहाँ पे 13.40 पे हमें देखने मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसे जो यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका मंडे की क्लोजिंग के बेसिस पे वेनेसडे को क्या देखने वाला जरूर हमारा ओपिनियन भी देंगे। वेनेसडे के दिन सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस भी आपको मार्क करके देंगे। चलिए जाते सीधा समय गए वन डे के चार्ट में बात करते हैं वहां पे हमें क्या देखने मिलने वाला आने वाले दिनों में। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज सा वॉल्यूम हमें मंडे के दिन देखने मिला। कैंडल एक यहाँ पे स्मॉल साइज की जो है बॉडी बनी है और दोनों के सर में बारीक बारीक विक हमें देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ आरएसआई की 53-54 के आसपास हमारा आरएसआई आ चुका है जो एक स्लाइट नेगेटिव मूवमेंट का जरूर इशारा देता है। लेकिन याद रखना आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। कई और सारे फैक्टर्स होते हैं, उसे भी हमें जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन के स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करेंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर जो है एक पॉजिटिव यहाँ के जो है डाउन मूवमेंट के बाद अपसाइड मूव का है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ किस तरह का मूवमेंट हमें देखने वाला है। सबसे पहले हमें डाउन साइड का मूवमेंट जो है इजिली देखने मिलने वाला है 13 के आसपास। वहां से फिर हमें एक रिवर्सल देखने मिला है। रिवर्सल में स्टॉक आएगा सबसे पहले 13.46 के आसपास, उसको भी क्रॉस कर देगा तो स्टॉक में अपसाइड मूव जो है 14 के आसपास जाते हुए देखने मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है वो आप जरूर हमें कमेंट करके बताना। यहाँ पे मैं आपको अभी भी बता दूं स्टॉक में ट्रेंड जो है वो अभी भी नेगेटिव है, लेकिन रिसेंटली हमने स्टॉक का एनालिसिस किया तो वहाँ पे आपको बताया था कि स्टॉक अपसाइड मूव जो हमें आते हुए कभी भी देखने मिल सकते हैं। तो एक इस तरह का हमें जो अपसाइड मूव एक जो है अपर सर्किट में देखने भी मिला है। बाकी यहाँ पे क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव ट्रेंड में हमको जरूर रिकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा, वहीं पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी रिसेंटली क्योंकि हमने स्टॉक का एनालिसिस किया था वहाँ पे आपको जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए जो बताए थे, अगर आपको वो जानना है तो जरूर आप उस वीडियो को देख ले ताकि यहाँ पे आपको क्लियर पता चल जाए कि कब यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करनी है। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते। चलिए वन आवर के चार्ट में बात करते हैं यहाँ पे हमें क्या देखने मिलने वाला है मंडे वेनेसडे के दिन। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस मार्क है, तो यहाँ पे खाली मैं जूम कर लेता हूँ फिर हम बात करेंगे इसके क्लोजिंग की। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑन नोटिफिकेशन जो वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा आपको चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। क्लोजिंग 13.40 पे क्लोजिंग देखने मिल रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट आता है 13.20 का, डायरेक्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस आता है 13.40 का, मतलब एग्जैक्ट डायरेक्ट रेजिस्टेंस के पास में हमारे जो है डायरेक्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ही जो यहाँ पे मैं तो कहूँ तो क्लोजिंग हुई। तो यहाँ पे याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए जो अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है जरूर जब उस वीडियो को देख ले, वहाँ पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखने, किस तरह से आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया, तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट क्या अगला सपोर्ट आता है 13 का, उसके बाद क्या था 12.8 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 13.60 का, उसके बाद क्या था 13.8 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो अपना यहाँ पे वेनेसडे के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में मंडे के क्लोजिंग के बेसिस से वेनेसडे का हूँ, मेरा ओपिनियन स्टॉक में जरूर एक पॉजिटिव क्लोजिंग है 13.40 से लेकर 13.60 के रेंज में क्लोजिंग की एक्सपेक्टेशन है। बाकी अगर थोड़ी सी भी गैप अप ओपनिंग है तो स्टॉक इस रेंज में भी आते हुए देखने मिल जाएगा। ओवरऑल एक पॉजिटिव क्लोजिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेनेसडे के दिन। आपको क्या लगता है वेनेसडे के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।